समाज को पढ़ते थे, वो किताबों को नहीं पढ़ते थे। वो तो अपने भाषा में कहते हैं कि मैंने एक किताब पढ़ी, सिर्फ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी, मैं उसको पढ़ के थक गया, बस सब कुछ पढ़ लिया मैंने, उसके बाद मैंने पढ़ा ही नहीं। एक जगह तो उन्होंने बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी भी की है, हे बाबा साहब राजनीति में इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो किताबें लिखने में लगे रहे, अगर किताबों की बजाय वो समाज में पढ़ने में लगे रहते तो ज्यादा। हालांकि आलोचना भी बहुत हुई उनकी, लेकिन जाति व्यवस्था से दो लोगों ने फायदा उठाया, एक ब्राह्मण ने और एक कांशीराम, ये कहा जाता है। तो चमार जाति से जब उन्होंने शुरुआत की, ये एक ऐसी जाति थी कि हर 100 किलोमीटर पे जाके इसका नाम बदल जाता था। ये शब्द इतना अपमानित हो गया था कि लोग इससे बचने के लिए, कोई सिख धर्म में जा रहा था तो वो रामदासिया बन रहे थे, कोई आधर्म मूवमेंट चला, आधर्म मूवमेंट जब चला उसमें चले गए तो वो आधर्मिया हो गए, और जैसे जटिया लोगों ने जाटव मूवमेंट चलाया तो वो जाटव बन गई। मतलब आपस में फिर वो जो अलग अलग आंदोलन चले जाति से बचने के लिए, वो भी जातियां बन गई। उन महापुरुषों से वाकिफ हुए, उनके नाम से, उनकी तस्वीरों से, उनके विचारों से वाकिफ हुए। नॉर्थ के आदमी को पहली बार पता चला कि जो नारायण गुरु थे, जो रामास्वामी पेरियार थे, वो कौन थे। जो नॉर्थ के आदमी को पहली बार पता चला कि योगितादास कौन थे, योगितादास। और जी वो कहते थे कि जो समाज राजनीति से जितने ज्यादा दूर होते हैं, वो उतने ही गरीब, पीड़ित और बेचारे किस्म के बन जाते हैं, और जो समाज राजनीति के जितने नजदीक होते हैं, वो समाज उतने ही एडवांस होते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, उनके अंदर शासक बनने की वो जो है वो इच्छा शक्ति पैदा होती है। 1964 तक आते आते जब आरपीआई की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तब मान्यवर जो है वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी करते हैं, नौकरी अपनी छोड़ देते हैं और पूरी तरह से इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए इसमें कूद जाते हैं, एक बलिदान देते हैं। बलिदान और कुर्बानी शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि उस समय मैंने 2002 में मान्यवर कांशीराम साहब की माता जी का इंटरव्यू किया था, उनकी बहन स्वर्णपुर का इंटरव्यू किया था, और उनके छोटे भाई सरदार दलवारा सिंह जी का इंटरव्यू किया था। तो उनसे वो पूरी चीजें निकल के आई थी कि उस समय उनका पूरा परिवार, उनके माता पिता और भाई बहन खेती मजदूर थे, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके घर की हालत कैसी होगी। खेती मजदूर का मतलब लोगों की जमीन ठेके पे लेके खेती करते थे, और परिवार के अंदर सिर्फ आय का स्रोत एक उनकी नौकरी थी, और वो अगर एकमात्र पढ़ा लिखा बच्चा हो और वो नौकरी छोड़ दे, परिवार की उस हालत को बिल्कुल अनदेखा करते हुए जॉब छोड़ देता है, तो ये एक कुर्बानी है, एक बहुत बड़ा बलिदान है उनकी तरफ से। और उस समय जब उन्होंने 1964 में जॉब छोड़ा है, तो पंजाब में उनकी माता बिशन कौर जी ने मुझे बताया था इंटरव्यू के दौरान कि एससी कोटे के एक मंत्री होते थे और उनकी बेटी का रिश्ता आ चुका था उनको, तो उनके सामने एक बहुत अच्छा फ्यूचर था, नौकरी थी, मिनिस्टर के की बेटी की शादी थी, शादी का ऑफर था, तो एक फूलों से भरा हुआ रास्ता उनके सामने था। और इस मिशन की खातिर, इस बाबा साहब के आंदोलन को नेतृत्व देने की खातिर, उन्होंने फूलों से भरे हुए रास्ते को छोड़कर कांटों से भरे हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि उनकी एक कुर्बानी थी। और 1964 में बाबा जब मान्यवर कांशीराम जो है वो निकलते हैं उस जॉब से, तो क्योंकि वो खुद कर्मचारी रहे थे, तो कर्मचारियों का, एस सी एस टी ओबीसी के कर्मचारियों का एक परिसंघ बनाते हैं, और वो परिसंघ जो है उसको बड़ा करने में लग जाते हैं, उसको महाराष्ट्र से बाहर निकालने में लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि हमारे पास अगर एस सी एस टी ओबीसी के बीच अगर कोई ब्रेन बैंक या मनी बैंक नाम की कोई चीज है, तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी हैं, इनको यूनाइट करके, इनको तैयार करके आगे के आंदोलन का रास्ता बनाया जा सकता है। उधर 1971 तक आते आते आरपीआई में एक तीसरा बिखराव हुआ, जो मिस्टर गवई थे, बड़े नेता थे उस समय, दो तीन बड़े नेता बचे थे खोडागढ़ के पास, एक गवई थे, एक बाबू आवले थे, जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें, एक फूल झेले थे। तो 71 में मिस्टर गवई भी अलग हो गए और उन्होंने भी अपना एक अलग से दल बना लिया। तो इस तरह से मान्यवर कांशीराम देखते हैं कि जो बची खुची उम्मीद थी आरपीआई से, वो भी खत्म हो गई। तो 1978 तक आते आते उन्होंने अपने आंदोलन, जो उनका अपना परिसंघ था कर्मचारियों का, उसको काफी दूसरे प्रांतों में ले गए, नॉर्थ इंडिया में काफी फैलाया, और 78 में आके उसको बामसेफ के नाम से स्थापित कर दिया। अब बामसेफ के नाम से स्थापित करने के बाद उनको तो ये लगा कि भाई अब उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है आरपीआई से या किसी दूसरे नेता से कि वो अपने उन महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ा पाए।
तो उन्होंने फिर 1981 में DS4 की स्थापना की, और DS4 की स्थापना जिस दौर में उन्होंने की थी, तेजेंद्र सिंह झली जो उनके साथ थे, वाम सेफ के चीफ थे, अभी भी जीवित हैं, मोहाली में रहते हैं, मैं 3-4 बार उनका इंटरव्यू करने गया, तो उस समय वो इस फेवर में नहीं थे कि हम समाज में कोई मूवमेंट चलाएं या कोई DS4 बनाएं, तो वो नाराज हो गए और वो अलग से अपना चलाने लगे। तो माननीय कांशीराम के हाथ में उस समय बहुत कम संख्या में जो वाम सेफ के लोग थे वो उनके पास आ पाए थे, और वैसे भी जो अधिकारी लोग थे वो जुड़ते नहीं थे, जो तीसरे चौथे दर्जे के कर्मचारी थे वो काम करते थे, और माननीय कहते भी हैं कि जिसमें सामर्थ्य है वो काम करता नहीं और जिसमें सामर्थ्य नहीं है वो बेचारा लगा रहता है। अब उन्होंने संगठन तो बना लिया था, आप देखिए उनकी कार्यशैली को देखिए, उनकी कार्यशैली कैसी थी कि उनको पता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, उनको पता है कि मेरे पास मीडिया नहीं है, और मेरे आंदोलन को भारत के 6 लाख गांवों में पहुंचाना है, 6000 जातियां हैं, इनकी गली गली गांव गांव में पहुंचाना है, तो उसका तरीका क्या हो सकता है। माननीय कांशीराम जो हैं उन्होंने खुद भी कहा है अपने भाषण में कि मैंने किताबें बहुत कम पढ़ी मूवमेंट की, वो तो एक भाषण में ये भी कहते हैं कि मैंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के अलावा कुछ पढ़ी नहीं, उन्होंने किताबें कम पढ़ी, समाज को ज्यादा पढ़ा। तो माननीय कांशीराम समाज को, जातियों को बहुत पढ़ चुके थे, तो समाज को पढ़ते हुए उन्होंने पाया कि हमारा जो भारतीय समाज है इसमें लोकगीतों का बड़ा महत्व है। आदमी जब पैदा होता है बच्चा तो सोहर गाए जाते हैं, जब शादी होती है तो सुहाग और घोड़ियां गाई जाती हैं, जब हमारे यहाँ तो गालियां भी गा के दी जाती हैं, हमारे बचपन के समय तक शादी ब्याह में औरतें गालियां गाती थी, गंदी गंदी गालियां गाया करती थी, अब तो वो चलन कम हो गया, तो गालियां भी जहाँ गा के दी जाती थी, और जब आदमी मरता है तो मृत्यु गीत होता है, तो उनको लगा कि गीत जो लोकगीत है इसका बड़ा महत्व है समाज के अंदर, तुझे एक बड़ा माध्यम हो सकता है। तो अपने मूवमेंट को आम जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो सबसे सस्ता और सबसे कारगर माध्यम जो चुना वो क्या चुना कि जो गांवों में जो पार्ट टाइम सिंगर होते हैं, लोक गायक होते हैं, जो कीर्तन वगैरह करने वाले, वो काम तो कुछ और मजदूरी मेहनत मजदूरी मिस्त्रीगिरी का काम करते हैं लेकिन शौकिया गाते हैं, गांव मतलब हर स्टेट में जाके हर लैंग्वेज के उन्होंने वो उन सिंगरों को इकट्ठा किया, उनकी कार्यशैली से इससे पता चलता है वो कितने मतलब समाज से जुड़े हुए लोग थे, कि किस तरह से वो एक ऐसे टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका तरफ ध्यान कम लोगों को जाता है। तो उन्होंने उन सिंगरों को जो है वो तैयार किया और उनको बोला कि ये जो तुम देवियों और माताओं के और बाबाओं के गीत गाते हो इसकी जगह तुम मिशन के गीत गाओ, इसके गीत लिखो। मुझे अब भी याद है मैंने अपने बचपन में उन सिंगरों को गाते हुए सुना, और मेरा गांव जो है हिमाचल में बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर पे है, तो पंजाब से आया करते थे और सारा दिन वो लोग काम करते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, और शाम को वो 9 बजे के करीब बस्तियों में आ जाते थे, छोटे छोटे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते थे, तुम्बी होती थी उनके पास, एक तारा जिसको बोलते हैं, और दफली होती थी और ढोलक होता था, और साइकिलों पे लाद के वो आ जाते थे, और वो जानबूझ के रात के 9 बजे आते थे क्योंकि खुद भी कमाना खाना होता था, और जो लोग गरीब लोग होते थे बस्तियों में वो मेहनत मजदूरी करने वाले होते थे, अपनी दिहाड़ी मजदूरी से 6 बजे आ जाते थे, 8 बजे खाना खा के खाली हो जाते थे, तो 9 बजे वो अपना शुरू कर देते थे, और वे तरीका इतना कारगर था उनका कि मैंने अपने बचपन में जो उन फोक सिंगरों से जो गीत सुने हैं उनके मुखड़े मुझे आज तक याद हैं, मतलब जो एक बार उसको अटेंड कर लेता था। अभी पहले सेशन में जब चर्चा हो रही थी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि जंगल की आग की तरह आंदोलन फैला, जंगल की आग की तरह आंदोलन प्रोफेसर साहब बता रहे थे फैला, तो इसलिए फैला कि उन्होंने जो टूल इस्तेमाल किया पहला ही वो टूल ऐसा कारगर था कि लोकगीत जो मैं खुद सुन चुका हूं बचपन में अपने, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल गीत लिखा है उन्होंने, जो गीत गाते थे, एक बच्चे का पेन लिखा, एक दलित बच्चे का दर्द लिखा है, और दलित बच्चा अपने माँ बाप से पूछता है गीत में, हम स्कूल में नंगे पैर क्यों जाते हैं और बाकी अच्छे अच्छे बूट पहन के क्यों आते हैं, हम स्कूल में जब जाते हैं तो हमारे पास गर्म कपड़े क्यों नहीं होते, बाकी के पास अच्छे अच्छे गर्म कपड़े क्यों होते हैं, और हम सारा दिन उठी उठते क्यों रह जाते हैं, लोगों के घर इतने बड़े बड़े होते हैं तो हमारी झोंपड़ियां क्यों होती हैं, ये इस तरह के सवाल जो बच्चे के मन में आते हैं, एक गरीब बच्चे के मन में जब वो देखता है स्कूल के अंदर, जब वो देखता है कि दूसरे के टिफिन में क्या है और मेरे टिफिन में लाल मिर्च है सिर्फ, तो उसके सवाल में मन में आता है ना कि दूसरे के टिफिन में चिकन है,
तो जो बच्चा एक भावुक सवाल जब पूछता है तो ऐसे ऐसे गीत वो बनाते थे और उन गीतों को गा गा के जब बनाते, मैंने देखा है कि औरतों को मैंने रोते हुए देखा है उन गीतों को सुनते हुए, और उनके मुखड़े मुझे आज तक याद है। तो इस तरह से उनका जंगल की आग की तरह आंदोलन इसलिए फैला कि उन्होंने इस टूल को इस्तेमाल किया। 1981 के बाद जब उनको बहुजन समाज पार्टी का गठन करना था तो इससे पहले उन्होंने पूरे देश में साइकिल रैलियां की, और जो उत्तर की तरफ उनकी साइकिल रैली की गई थी दिल्ली से जम्मू के लिए गई थी, उसका रूट उन्होंने जो चुना था वो दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, अम्बाला और चंडीगढ़, रोपड़ से होते हुए हिमाचल, और हिमाचल से फिर पठानकोट में, और पठानकोट से जम्मू। ये वाला रूट बिल्कुल स्ट्रेट था, शॉर्टकट सीधा रूट था ये, और ये वाला रूट चुना। और इत्तफाक से इसी रूट पे उनका अपना गांव भी था। जब मैं फील्ड वर्क कर रहा था अपनी किताब के लिए, मानव काशीराम के लिए मेरी आई थी, तो उस गांव में मैं कई बार गया, तो अगर आप हम रोड पे खड़े होके देखेंगे तो बिल्कुल सामने उनका घर नजर आता है, उनका पूरा मोहल्ला जिस मोहल्ले में वो खेले थे, और सामने एक ग्राउंड सा है सरकारी जमीन का जिस ग्राउंड में वो खेलते थे। तो जब वो साइकिल चलाते हुए अपने, उनका जो 50-60 लोगों का जत्था था, अपने बिल्कुल अपने घर के आगे से निकलते हैं तो वो थोड़े भावुक हो जाते हैं अपने घर को देखते हुए। कोई भी आदमी इंसान जो होता है वो चाहे जितना मर्जी हो भावुक हो जाता है। तो साइकिलें रोक के वो कहते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरी बस्ती, और जहां हम खेला करते थे इस ग्राउंड में, तो वो निहारते हैं। और उसी बस्ती के बुजुर्ग लोग जो थे, मतलब अभी मैंने जो कहा कि वो उन्होंने कुर्बानी दी अपने जॉब की, जब अपने परिवार को अनदेखा करके मूवमेंट के लिए कूदे, उसका उनकी बस्ती के लोग, उनके परिवार के लोग, जब उनके गाँव के लोग कैसे देखते थे कि वो कह रहे थे कि वो बुजुर्ग लोग वहां उनको फप्तियां कस रहे थे, और उस समय उनके ऊपर जो कमेंट किए गए थे वो ये किए गए थे कि देखो कैसा पागल आदमी है, इसके माँ बाप और भाई बहन खेतों में काम कर रहे हैं, और ये सरकारी नौकरी छोड़ के, एक मिनिस्टर की लड़की का रिश्ता छोड़ के इन 50-60 मुस्टंडों के साथ साइकिल चला रहा है, ये कमेंट किए गए थे उनके ऊपर। तो उसके बाद जब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी गठित की 84 में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि उस दौर में, जब आज जो हम देख रहे हैं देश के अंदर मोदी मोदी हो रहा है, लेकिन उस दौर में जितना इंदिरा इंदिरा होता था उतना तो शायद मोदी मोदी 20% भी नहीं होता। एक कहावत बन गई थी, इंडिया इज इंदिरा एंड इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, ये कहावत चलती थी। और उस युग में सपना देखना अपनी एक नई पार्टी खड़ी करने का, और सपना भी उस समाज के रूप में देखना जो समाज इंदिरा का पूरी तरह भक्त बना हुआ था, इतना तो आज मोदी भक्त भी नहीं है। तो उस दौर में सपना देखना और उस सपने को साकार होते हुए देखना, उसकी हिम्मत करना, इससे पता चलता है कि उनके व्यक्तित्व में, उनका व्यक्तित्व कैसा था और उनका जुनून कितना था। तो ये ओवरऑल उनका जो मूवमेंट था, वे वो पार्टी बनाते हैं, लेकिन अब जो उससे निकल के क्या आता है उस पूरे आंदोलन से, जो वो बहुत अपनी जॉब की कुर्बानी दे के, अपने परिवार को अनदेखा करके वो पूरा आंदोलन खड़ा करते हैं, तो उससे जो सबसे बड़ी चीज निकल के आती है मेरे ख्याल से, वो ये आती है कि जब उन्होंने शुरुआत की तो अब 6,000 जातियां हैं, उसके बीच काम करना है, बहुजन का कंसेप्ट लेके जाना, तो एक सिरे से लगना है, तो वो शुरुआत में ही चमार जाति से उन्होंने शुरुआत की, और 6,000 जातियों में बंटा हुआ, ये जो अभी शुरुआत जहां से करते हैं, तो इस जाति की हालत क्या थी पंजाब के अंदर, आज भी इस जाति के लिए जो वहां के अपर कास्ट लोग हैं वो एक शब्द यूज करते हैं, बड्डी टुकी कौम, मतलब ऐसी कम्युनिटी जिसको काटा गया है और टुकड़े टुकड़े करके बिखेरा गया, ऐसी कौम उस कौम के अंदर। लेकिन कांशीराम जैसे जुनूनी आदमी जो हैं उस टुकड़े टुकड़े की हुई कौम में से भी फायदा उठाने में कामयाब रहे। इसलिए कहा जाता है कि जाति व्यवस्था भारत में एक अभिशाप सिद्ध हुई, नुकसानदायक सिद्ध हुई, लेकिन जाति व्यवस्था से दो लोगों ने फायदा उठाया, एक ब्राह्मण है और एक कांशीराम है, यह कहा जाता है। तो चमार जाति से जब उन्होंने शुरुआत की, ये एक ऐसी जाति थी कि हर 100 किलोमीटर पे जाके इसका नाम बदल जाता था, ये शब्द इतना अपमानित हो गया था कि लोग इससे बचने के लिए, कोई सिख धर्म में जा रहा था तो वो रामदासिया बन रहे थे, कोई आधर्म मूवमेंट चला, आधर्म मूवमेंट जब चला उसमें चले गए तो वो आधर्मिया हो गए, और जैसे जटिया लोगों ने जाटव मूवमेंट चलाया तो वो जाटव बन गई, मतलब आपस में फिर वो जो अलग अलग आंदोलन चले जाति से बचने के लिए वो भी जातियां बन गई। जो आंदोलन चलता है जाति से बचने के नाम पे वो खुद एक जाति बन के रह जाता है, और फिर क्या होता है कि जो एक ही जाति में जो छोटी छोटी जातियां बनी हैं
उनमें भी आपस में कोई संपर्क नहीं है, कोई रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है। हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार हैं प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनकी आत्मकथा है यूपी के अंदर, उनका जीवन बचपन गुजरा है, मेरा बचपन मेरे कंधों पे उनकी आत्मकथा का नाम है। वो लिखते हैं कि हमारा परिवार चमड़े का काम करता था और हमारे गांव के जाटव लोग, जाटव जो खुद चमारों से निकले बने हैं, जो वहां का एक आंदोलन के रूप में, कि जितना हमारे साथ अपर कास्ट भेदभाव करता था उतना ही हमारे साथ जाटव भी करता था। तो मतलब इस तरह का बंटवारा समाज में था। तो सबसे बड़ी देन जो कांशीराम साहब की थी, हिमाचल के एक भाषण में तो कांशीराम ने ये कहा था कि बहन मायावती जो है ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थी शुरुआत में, जब वो आई थी उनकी भी छोटी एज थी उस समय मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि मैं चमार हूं। वो कहें नहीं जी, हम तो जाटव हैं, चमार तो दूसरे होते हैं। तो बहन मायावती तैयार नहीं थी। तो मान्यवर का सबसे बड़ी देन है कि फिर उन्होंने इस जाति के बीच एकता पैदा की। उसके बाद फिर जो दूसरी जातियां थी, दलितों की जो दूसरी दलित जातियां थी, उनके बीच एकता पैदा की। और आज जो मेल जोल हम देखते हैं दलितों के बीच, थोड़ा बहुत जो भी मेल जोल बना है, ये सारा बहुजन मूवमेंट की देन है। और सबसे बड़ा आउटपुट उनका ये है कि दलित समाज की जो जातियां हैं आपस में वो मेल जोल करने लगी हैं। वरना इनके बीच में इतना डिफरेंस था, जब मैं गांव में पढ़ता था तो डोम जाति के मेरे कुछ फ्रेंड थे, मैं उनके घर चला जाया करता था, तो उनके बुजुर्ग कहते हैं तुम्हारी जाति तो बड़ी छोटी है। तो मैं घर आके अपने दादा से पूछता था कि डोम वाले तो ऐसा बोल रहे थे, कह रहे नहीं नहीं वो झूठ बोल रहे थे, हमारी उनसे बड़ी है। तो डोम और चमार आपस में लगे रहते थे कि मैं बड़ा और वो कह रहा मैं बड़ा, और जबकि उस गांव का ठाकुर दोनों को नीच मानता था। तो मान्यवर कांशीराम ने ये बड़ा काम किया कि इन जातियों के बीच ये बड़ा बड़ा का जो चल रखा था, इनके डीएनए में भी जो मनुवाद घुस गया था, उसको निकाला और उनमें एकता लाने का काम किया। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई ये जो जातियों के बीच एकता लाने का काम है ये उन्होंने एक नया इजाद किया हो। ये काम भगवान बुद्ध के समय में अगर बहुजन शब्द आता है तो हो सकता है भगवान बुद्ध भी जातियों में एकता के बीच काम कर रहे हो, अगर उनका सामाजिक शास्त्रीय अध्ययन किया जाए। लेकिन गुरु रविदास की जब हम वाणी पढ़ते हैं तो उस वाणी में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं कि वो जातियों को जोड़ रहे थे, क्योंकि उनकी वाणी में एक शब्द आता है, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधुपमखीला, कि हे मेरे समाज के लोगों तुम इस तरह से मिलके रहो जैसे मधुमक्खियां रहती हैं। तो इस वाणी से लगता है कि वो कुछ ऐसा गेम कर रहे थे कि जातियों को जोड़ रहे थे। और उनसे अभी बाबा साहब से भी पहले जो हमारे आदि मूवमेंट चल रहे थे, स्वामी अच्युतानंद जी का बाबू मंगूराम पंजाब में कर रहे थे आंदोलन, तो उनके बाबू मंगूराम के मूवमेंट में तो 36 कौमों का जिक्र आता है कि ये पूरा आंदोलन 36 बिरादरियों का है, जो दलित समाज की 36 जातियां थी। और स्वामी अच्युतानंद के आंदोलन में वो सारे नेता जो शामिल होते थे उनका जिक्र रिटर्न में मौजूद है। तो मान्यवर से पहले लोग जोड़ने का प्रयास करते रहे हैं। दरअसल हमारा जो समाज है बहुजन समाज, उसकी हालत भेड़ों की तरह है, बकरियों की तरह। वो जैसे गडरिया होता है, वो बांसुरी बजाता है तो भेड़ें एक साथ हो जाती हैं, गडरिया इधर उधर हुआ तो भेड़ें बिखर जाती हैं। तो वही हमारे समाज की हालत है कि महापुरुष आता है, महापुरुष आके जब बांसुरी बजा के चला जाता है तो जो समाज का रेवड़ है, भेड़े हैं, वो फिर उधर उधर हो जाती है। तो 1956 में जब इधर उधर हो गया तो फिर मान्यवर कांशीराम को बांसुरी बजानी पड़ी, तो फिर वो बजाने लग गए। तो इस तरह से जो सबसे बड़ी देन मान्यवर कांशीराम की थी वो ये थी कि उन्होंने जातियों के बीच एकता पैदा की। और जातियों के बीच एकता पैदा करने के अलावा जो उन्होंने बड़ा काम किया वो ये था कि उन्होंने समाज के सामने ये रखा कि ये जो बहुजन मूवमेंट है ये 100 महापुरुषों का मूवमेंट है। उन्होंने एक भाषण में कह रखा है कि महापुरुष तो बहुत हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भाषाओं में, उन्होंने अलग अलग प्रांतों में काम किया, लेकिन जो उल्लेखनीय महापुरुष हुए हैं वो 100 हैं लगभग। उन्होंने कहा 100 महापुरुष हुए हैं और ये जो मूवमेंट है ये उन 100 लोगों का मूवमेंट है। तो मान्यवर कांशीराम के मूवमेंट के बाद पहली बार गांव गांव की जनता, जो मेन हमारे जो बहुजन समाज के महापुरुष हुए थे जिन्होंने ये आंदोलन चलाया था, वो उन महापुरुषों से वाकिफ हुए, उनके नाम से, उनकी तस्वीरों से, उनके विचारों से वाकिफ हुए। नॉर्थ के आदमी को पहली बार पता चला कि जो नारायण गुरु थे, जो रामास्वामी पेरियार थे, वो कौन थे। जो नॉर्थ के आदमी को पहली बार पता चला कि योगितादास कौन थे, योगितादास। और जो साउथ और नॉर्थ का जो आपस में मतलब जो
जो नॉर्थ में काम करते थे उनको साउथ वाले नहीं जानते थे, जो साउथ में काम करते थे उनको नॉर्थ वाले नहीं जानते थे। तो मान्यवर कांशीराम के मूवमेंट से ये हुआ कि लोगों तक उन महापुरुषों के जो है विचार पहुंचे और उन विचारों को जो है लोग जो है समझे। और दूसरा बड़ा जो उस आंदोलन से निकल के जो अगला जो चीज निकल के आई वो ये आई कि मान्यवर कांशीराम के आंदोलन के बाद जो बहुजन समाज है उसका भारत के संविधान जो है उसमें जो है उसके भी दिलचस्पी पैदा हुई। सबसे बड़ा जो काम हुए उनमें से एक ये भी था कि मान्यवर कांशीराम ने बताया कि ये जो हमारे बीच महापुरुष हुए हैं पैदा, ये 100 महापुरुष जो हुआ है, 100 महापुरुषों के विचारों और संघर्षों का निचोड़ हमारा ये जो संविधान है ये है। और अगर संविधान जिंदा रहता है तो हमारे इन 100 महापुरुषों का विचार जिंदा रहेगा, अगर संविधान खत्म हो जाता है बदल जाता है तो हमारे उन महापुरुषों का मूवमेंट भी खत्म हो जाएगा। तो संविधान के प्रति जो उन्होंने जागरूकता दिखाई, और खासकर ये ज्यादातर उस समय हुआ जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, और 2001 में शायद जब उन्होंने कमेटी बिठाई थी संविधान की समीक्षा के लिए, तो उस समय जो मान्यवर कांशीराम थे उनकी सारी जो एक्टिविटीज है वो सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो संविधान को लेके हुई है। वो सारे ज्यादातर भाषण उन्होंने संविधान को लेके दिए हैं कि भारत के जो संविधान था उसके लिए लोगों को जागरूक किया, उसके लिए उन्होंने संविधान मेले तक आयोजित किए और गांव गांव तक ये बात उन्होंने पहुंचाई। तो इस तरह से जो दूसरा मतलब निकल के आता है उनका जो वो ये है कि भाई उन्होंने संविधान के प्रति जागरूकता पैदा की। मान्यवर कांशीराम की जब चर्चा होती है तो उनको सिर्फ नेता के रूप में, कई बार सिर्फ एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में इसलिए समेट दिया जाता है कि उन्होंने ज्यादा जोर अपने बहुजन समाज पार्टी के ऊपर दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो राज सत्ता है ये मास्टर की है, जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी सामाजिक समस्याएं हैं, हमारी जो धार्मिक समस्याएं हैं, जो हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, जो हमारी जो भी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं के ताले अगर किसी चाबी से खुलेंगे तो वो सिर्फ राज सत्ता है। उन्होंने ये मास्टर की का इसको नाम दिया। तो ये जो उन्होंने राजनीति पे ज्यादा जोर इसलिए दिया, वो कहते थे कि जो समाज राजनीति से जितने ज्यादा दूर होते हैं वो उतने ही गरीब पीड़ित और बेचारे किस्म के बन जाते हैं, और जो समाज राजनीति के जितने नजदीक होते हैं वो समाज उतने ही एडवांस होते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, उनके अंदर शासक बनने की वो जो है वो इच्छा शक्ति पैदा होती है। तो मान्यवर कांशीराम जी के आंदोलन से ये जो उन्होंने मास्टर की का जो दिया, जहां तक कहते थे कि जो धार्मिक हमारा धर्म जो है, हमारा चिना हुआ धर्म है, और अगर हमारा धर्म भी आगे बढ़ेगा तो तभी बढ़ पाएगा जब हम राज सत्ता पे काबिज होंगे। और यही वजह है कि बाबा साहब की विचार को लेकर चले, बाबा साहब की तस्वीर को लेकर चले, लेकिन बाबा साहब ने जो धर्म दिया था अंतिम समय तक उसको अडॉप्ट नहीं किया। हमेशा यही कहते रहे जब हम शासक बनेंगे तब हम सम्राट अशोक के समय का भारत लाएंगे, और जैसे सम्राट अशोक ने किया था वैसे हम बोध में कर देंगे, लेकिन कभी भी उसको अपनाया नहीं। वो इसलिए नहीं अपनाया कि शायद क्योंकि उनका परिवार जो था वो एक रामदासिया सिख फैमिली थी, और गुरु गोविंद सिंह अपनी वाणी में एक जगह लिखते हैं कि राज बिना ना धर्म चले है। उनकी वाणी में ये पंक्ति आती है कि धर्म हमारा तभी चल सकता है जब हमारा अपना राज होगा, अगर हमारा अपना राजपाट नहीं है हमारा धर्म कभी नहीं चल सकता। उसके अलावा महाराष्ट्र में रहते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन भी किया था, तो उन्होंने देखा ही था कि बुद्ध स्वयं कह रहे हैं कि मेरे समय में 62 किस्म के जो संप्रदाय जो है उस समय चल रहे थे, और अगर बुद्ध का ही आगे बढ़ा तो इसकी वजह यह भी थी कि बुद्ध एक राजपुत्र थे। फिलोसफी तो सबकी अपनी अपनी थी और अपनी अपनी जगह सारे अच्छे थे, बुद्ध भी अच्छे थे, उस समय मखली गोसाल भी बहुत अच्छे थे, उनका आजीवक धर्म भी बहुत अच्छा था, या दूसरे जो धर्म थे वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन बुद्ध का आगे इसलिए बढ़ा क्योंकि वो राजपुत्र थे। अब राजा के बेटा की बात हर कोई सुनना चाहेगा, तो उनका इसलिए आगे बढ़ा। और अगर उसके बाद भी बुद्ध के चले जाने के बाद भी अगर सम्राट अशोक ना मिलते बौद्ध धर्म को, उन्होंने पूरे देश के अंदर 84,000 स्तूप बनाए और पूरे देश के अंदर उसको फैलाया, अगर सम्राट अशोक का आश्रय ना मिलता तो शायद बुद्ध धर्म का उस तरह का स्वरूप निकल के नहीं आता। तो ये बातें मान्यवर को पता थी,
तो इसलिए मान्यवर कहा करते थे कि मैं तब तक बौद्ध धर्म नहीं अपनाऊंगा जब तक मैं शासक नहीं बन जाऊंगा, क्योंकि जो शासकों का धर्म होता है उस धर्म को ही सभी लोग अडॉप्ट करते हैं। और हमारी आर्थिक उन्नति का रास्ता भी वो मानते थे कि राजनीति से होके ही गुजरेगा, तो इसलिए वो बार बार कहते थे कि हमें शासक बनना है और हमें आरक्षण लेने वाला नहीं, आरक्षण देने वाला समाज बनना है। तो ये चीजें उनसे निकल के आती हैं। और एक बड़ी चीज जो उनके आंदोलन से हुई उस इसके अलावा वो ये हुई कि बहुजनों के बीच उन्होंने, एक तो देश के बहुजनों को उन्होंने सत्ता के मुहाने तक पहुंचाया। अभी पहले सेशन में बता रहे थे कि सत्ता भले ही बहन जी भले ही दलित समाज से आती थी, लेकिन 11 मंत्री उस समय जो बने वो 11 के 11 पिछड़े वर्ग के थे। तो पूरे बहुजन समाज को उन्होंने सत्ता के मुहाने तक पहुंचाया और बच्चे बच्चे के अंदर जो है शासक बनने की ललक पैदा की। वरना जो समाज ऐसा था कि जब बच्चा पैदा होता था तो कहते थे कि दलित समाज के बीच कोई बच्चा पैदा होता था तो सीधी नजर जाती थी कि कहीं ढोल बजाने वाले की या कहीं स्वीपर की पोस्ट निकलती थी तो बाप की नजर वहां जाती थी कि कहीं हमारा बच्चा जो बड़ा हो के ये काम कर लेगा। इस तरह छोटे छोटे कामों की तरफ उनका जाता था ध्यान। लेकिन मान्यवर कांशीराम आए कि उन्होंने सीधा छोटे कामों से तीसरे चौथे दर्जे के कर्मचारियों से भी ऊपर उठकर उन्होंने सीधा दलित समाज के बीच, पिछड़े समाज के बीच, वह पूरे बहुजन समाज के बीच उन्होंने एक शासक बनने की ललक पैदा की और सत्ता के मुहाने तक उनको पहुंचाया। तो ये इस तरह से उनके आंदोलन में जो है वो ये चीजें जो निकल के आती हैं। और दूसरी चीज जो मुझे उनके आंदोलन की सबसे जो न्यारी चीज लगती है वो ये है कि जो उनका कार्यशैली थी, जो उनका काम करने का जो प्रैक्टिकल वे ऑफ वर्किंग था, वो थ्योरिटिकली जैसे JNU में आप बैठे हर चीज किताबों के माध्यम से होती है, तो मान्यवर कि समाज को पढ़ते थे, वो किताबों को नहीं पढ़ते थे। वो तो अपने भाषा में कहते हैं कि मैंने एक किताब पढ़ी, सिर्फ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ी, मैं उसको पढ़ के थक गया, बस सब कुछ पढ़ लिया मैंने, उसके बाद मैंने पढ़ा ही नहीं। एक जगह तो उन्होंने बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी भी की है, हे बाबा साहब राजनीति में इसलिए फेल हो गए क्योंकि वो किताबें लिखने में लगे रहे, अगर किताबों की बजाय वो समाज में पढ़ने में लगे रहते तो ज्यादा। हालांकि आलोचना भी बहुत हुई उनकी, लेकिन कहने का मतलब कि उनका जो काम करने का तरीका था वो दूसरों से एकदम अलग तरीका था और उस तरीके की वजह से उनका जो आंदोलन था, सुबह के सेशन में प्रोफेसर साहब जो बता रहे थे कि उनका आंदोलन बहुत कम समय में जंगल की आग की तरह फैला, वो इसलिए फैला कि उनका एक व्यक्तित्व था, वो विराट व्यक्तित्व था और वो बहुजन महापुरुषों की उस कड़ी में आता है, युग पुरुष थे वो और उनके जो काम करने के तरीके थे वो अलग थे, बाकियों से डिफरेंट थे। तो वो सारी चीज़ों को होते हुए उन्होंने अपने उस मोमेंट को चलाया और बहुजन आंदोलन को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा के वो गए हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।